हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। तो चलिए हम लोग बीपीएससी टीआरए 4.0 के लिए जो सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 का साइंस चैप्टर 8 क्लास तक कंप्लीट कर लिया है। इसका सारा नोट्स आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में हैंड रिटेन में मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है। आज ये हम लोग का क्लास 4th है जियोग्राफी का, क्लास 7। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है वायु। तो ये तो वायु जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। हम लोग सबसे पहले समझते हैं वायु क्या है। तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उसके चारों तरफ वायु होता है और वो उसका एक क्या होता है, चादर जैसे घिरा हुआ है। वायु का एक घनी चादर बनी हुई है। ठीक है, वायु के बिना कोई भी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे नहीं रह सकते, उनको वायु चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहना होता है। यहाँ तक कि हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, प्रदान करता है कौन, वायुमंडल। ठीक है, सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। जो वायुमंडल होते हैं, जो सूर्य के किरण आते हैं हमारे पृथ्वी पे, उसमें बहुत सारी हानिकारक रेज होते हैं, यानी किरण बहुत सारी आती हैं जो हानिकारक होती हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए, जो सूर्य के किरणों में रहती हैं, तो उसको ऊपर ही रोक लेता है। पृथ्वी से आने से पहले ही वायुमंडल क्या करता है, रोक के रखता है। ठीक है, उसका प्रभाव बहुत कम कर देता है पृथ्वी आने तक। ठीक है, तो यदि सुरक्षा की यह चादर न रहे तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। वो इतना भीषण होता है कि जो वायुमंडल होता है गर्मी को ऊपर रोक के रखता है। अगर वो चादर ना रहे, यानी वायुमंडल ना रहे ऊपर, तो इतना तेज़ गर्मी का प्रकाश, मतलब गर्मी होगा पृथ्वी पे जिसे हम लोग जल सकते हैं। ठीक है, और रात में इतना ठंडा हो जाएगा कि हम लोग जम जाएंगे। ठीक है, अतः यह वायु राशि है। ठीक है, जिसमें पृथ्वी के तापमान के रहने के योग्य है। यानी पृथ्वी क्या है, मतलब हम लोगों का जो ऐसा एक ग्रह है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, इजीली रह सकते हैं, इसमें कोई रहने में दिक्कत नहीं है। लेकिन वायु, अगर पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जाएंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना, बहुत ही असाधारण होता है। तो पृथ्वी क्या है, बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। अब चलिए, यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, वायुमंडल की संगठन। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। यानी जो हम लोग वायु लेते हैं जीने के लिए, पेड़ पौधे जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे, सबको क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और वो जो वायु होता है वो बहुत सारे गैसों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह अनेक गैसों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और क्या होता है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो ऐसे गैस हैं जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी बहुत सारे गैसों तो गैसों से मिलकर क्या होते हैं, वायुमंडल बनी हुई है। लेकिन वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं उसमें दो हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। यानी कि इतने गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती हैं जो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन गैसों के अलावा, ठीक है, इन गैसों के अलावा धूल के कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं, वो धूल के जो उड़ते रहते हैं वो भी पाए जाते हैं, हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया, इससे हम लोग समझने में आसानी होगा। क्या लिखा है यहाँ पर, नाइट्रोजन, यानी मान लीजिए पूरा हमारा क्या है, वायुमंडल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, वो कितना परसेंट है, 78%। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसका ये जो डाटा है ना, ये भी याद रखना है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन, जो हम लोग लेते हैं, जो हम लोगों को पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, वो 21% ऑक्सीजन मौजूद है हमारे वायुमंडल में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट वायुमंडल में विद्यमान है, तो 21% है। ठीक है, उसके बाद ये जो थोड़ा थोड़ा गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, 0.03%, फिर आर्गन, फिर अन्य सभी गैसें जो पाई जाती हैं, ये कुल मिला के 100% है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक लाइन दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, देखिए क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मनुष्य और मनुष्य क्या करता है, छोड़ता है, और हम लोग क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं,
वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। अब ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि सूर्य की गर्मी आ गया, यानी सूरज का रोशनी पृथ्वी पर आया। अब हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी, जो भी किसान होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा पोलोथीन को क्या करते हैं, चारों तरफ से हरा पोलोथीन को कवर कर देते हैं, जहाँ पे सब्जी वब्जी लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी तापमान उस पर आता है वो क्या करता है, फिर क्या, देखिए दिन में क्या होता है कि पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है, जिस जो हवा होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे गर्म होकर उठ के और आसमान में फिर चला जाता है। तो शाम में क्या होता है कि वो आप आसमान में फिर वापस चला जाता है। लेकिन जो हम लोग पोलोथीन टांग के रखते हैं किसान भाई लोग, वो क्या करते हैं कि पृथ्वी पर जो जो भी मतलब सूर्य के प्रकाश रहता है उसको रोक के रखता है, यानी कि हीट को बनाए रखता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, जिससे क्या होता है, पैदावार बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, यानी कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी क्या करता है कि जो मतलब जो भी सूर्य का प्रकाश है वो वापस उसको जाने में रोकता है, ठीक है। उसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, ठीक है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता रहता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि गैस कारखाने मतलब जितने भी धुएं निकलते हैं ये सबसे, तो क्या होता है कि तो वायुमंडल में तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं और इसमें ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, वैश्विक मतलब खतरे का निशान होता है, यानी पूरे विश्व में खतरे उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ भी पिघल जाती है। इतना गर्मी हो जाता है कि वो जितने भी मतलब ठंडे प्रदेश है उसमें जमी हुई जो बर्फ रहती है वो भी पिघल जाती है। किसके कारण, तो ये जो भी कल कारखाने से धुआं निकलती है उससे गर्मी बढ़ जाता है, उसी के कारण, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जल भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो बाढ़ आएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। अब देखिए यहाँ से, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, यानी जब हम लोग वायु यानी ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी कुछ मात्रा में चले जाते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर और उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर उसको क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ध्यान समझिए, पौधों के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य को तो ऑक्सीजन चाहिए लेकिन पौधे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता पेड़ पौधों को होती है, लेकिन क्या करते हैं वो डायरेक्ट, जैसे हम लोग वायु ले लेते हैं ना अपने अंदर ऑक्सीजन, लेकिन वो पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन डायरेक्ट रूप से नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं कि मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, यानी कि मिट्टी में और पौधे के जड़ों में कुछ जीवाणु रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो हवा होता है वायु से नाइट्रोजन लेकर इसके स्वरूप में बदल देते हैं, यानी कि वायु को मतलब नाइट्रोजन के फॉर्म में ला देते हैं, नाइट्रोजन के रूप में बदल देते हैं, और इससे वो पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि क्या पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन डायरेक्ट रूप से लेते हैं, यानी सीधा लेते हैं, तो नहीं, उसको कौन हेल्प करता है, तो जो भी जीवाणु होते हैं वायु में और सॉरी ये मिट्टी में और मतलब पेड़ पौधे के जड़ों में, उससे वो क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो उस रूप में बदल देते हैं, यानी नाइट्रोजन के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, यानी सबसे ज़्यादा क्या है वायु में क्या मिलती है, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद क्या मिलता है, ऑक्सीजन, तो वही लिखा है 21% जो मिलता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, ठीक है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, यानी हम जो मनुष्य हैं या फिर जो भी जानवर हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। कौन प्रदान करता है हमें ऑक्सीजन, पेड़ पौधे। हरे पादप यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, यानी हमें कौन देते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधे। किस माध्यम से, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इससे पहले हम लोग
पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, पानी, खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो जरूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, यानी कि क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं हरे, वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो एक संतुलन बना रहता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वृक्ष हमेशा काटते रहें तो संतुलन बिगड़ जाएगा ना, या तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बढ़ जाएगा पृथ्वी के ऊपर और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, मतलब बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगा पृथ्वी पर, बहुत कष्ट हो जाएगा मनुष्य को ऑक्सीजन लेने में, ठीक है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं, ठीक है। हरे पादप यानी हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन जो हरे पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं भोजन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं मनुष्य और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैसों के बराबर होती हैं, यानी जितना हम लोग लेते हैं पेड़ पौधे उतना ही हम लोग, मान लीजिए जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बराबर होती है मात्रा, जिससे यह संतुलन बना रहता है। लेकिन संतुलन क्या होता है, कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। लेकिन जितने भी धुएं होते हैं, कोयला जलाते हैं, खनिज तेल जलाते हैं, इससे क्या होता है, मात्रा असंतुलित हो जाता है, यानी घट और बढ़ जाता है। वे वायुमंडल को प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, यानी जितने भी ये सब कल कारखानों से, ईंधन से, ये सब क्या होता है, धुएँ निकलते हैं, वो करोड़ों टन हर एक साल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, आयतन पृथ्वी पर, मौसम तथा जलवायु को भी प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पे जलवायु में भी प्रॉब्लम आती है, यानी समय पे बारिश नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, ये सब खतरा बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मी बहुत भीषण होने लगेगी। अब देखिए यहाँ से, क्या आप जानते हैं जब वायु गर्म होती है तो फैलती है, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कि जब वायु गर्म होती है यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर तेज रूप से पड़ता है तो वायु वहाँ के गर्म हो जाता है और वो मतलब हल्का हो जाता है, और हल्का होकर क्या करता है, ऊपर उठने लगता है, ठीक है। और जब वही वायु शाम को या फिर रात में ठंडा होता है तो फिर वो क्या करता है, धीरे 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 संघन में और भारी हो जाता है, यानी कि पहले के रूप में आ जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें यही है, और इसी को क्या बोलते हैं, ऐसे चक्र चलते रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, वायु चक्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर यहाँ तक हो गया कि पृथ्वी जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आप लोग बिलीव करिए, ठीक है। वायुमंडल की संरचना, ये वायुमंडल कैसे बना है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है वो कैसे बना है, तो हम लोग डिटेल समझते हैं। इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन TRE 1 और TRE 2 में भी आया था, ठीक है। तो देखिए, हमारा वायुमंडल जो है वो 5 परतों से मिलकर बना है, ठीक है। जो लेयर होता है वो 5 परत है, ठीक है, 5 लेयर है, जो पृथ्वी की सतहों से आरंभ होती है। ये कौन कौन से 5 लेयर्स हैं, तो देखिए, सबसे पहले आते हैं सौरमंडल, ठीक है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बाह्यमंडल और बहिर्मंडल, यानी कि बाह्यमंडल और बहिर्मंडल अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा, सौरमंडल, समताप मंडल, और इसको लाइन से याद रखिएगा, ये नहीं कि पहले समताप मंडल याद कर लिए फिर सौरमंडल याद कीजिए, एकदम लाइन से याद करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देते हैं इसके क्रम भी। तो सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल, ये क्या करना है, 5ों को याद कर लेना है, ये वायुमंडल की परत है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पहला जो है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, सौरमंडल, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन जाएगा कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो सौरमंडल है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई यानी पृथ्वी से लेकर और कितना ऊपर तक ये फैला हुआ है, तो 13 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम के माध्यम से, ये क्या है, यहाँ सौरमंडल है, तो पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी से क्या है, ये 13 किलोमीटर ऊंचा तक फैला हुआ है, ठीक है। फिर समताप मंडल, फिर ये समताप मंडल हो गया, ये इसका लास्ट सीमा है, ठीक है। फिर मध्यमंडल यहाँ तक है, तो यही पे यहाँ पे दिया है, देखिए ये क्या है, 13 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, कौन, सौरमंडल, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण परत है। इससे हम क्या करते हैं, हम इसी मंडल में मौजूद रहते हैं और वायु में सांस लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि मनुष्य किस मंडल में रहते हैं, तो सौरमंडल में रहते हैं। और जितने भी बारिश होते हैं, बिजली कड़कती है, ये सब जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मतलब वर्षा होता है, कुहारा होता है, ये सब कहाँ होता है, तो सौरमंडल में ही होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, ये सब याद रखने वाली बात है। अब चलिए, ये कितना इसका ऊंचाई होता है, तो पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। अब चलिए आ जाइए दूसरा, सौरमंडल के बाद आता है सप्ताप मंडल। तो सप्ताप मंडल क्या है, सौरमंडल के ऊपर का भाग सप्ताप मंडल आता है, यानी सौरमंडल के बाद कौन सा भाग आता है, तो सप्ताप मंडल, ठीक है। और ये कितना है, 50 किलोमीटर ऊंचा तक है, कितना है 50 किलोमीटर। सौरमंडल था 13 किलोमीटर, सप्ताप मंडल है 50 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या है, बादल और मौसमी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। यानी हम लोग जो भी मौसमी घटनाएं होती है कहाँ पे होती है, तो सौर मंडल में होता है। सप्ताप मंडल में ये कोई भी बारिश नहीं होती है, बिजली नहीं कड़कता है, वर्षा मतलब कुछ भी नहीं होता है मौसम वाली घटनाएं। तो ये क्या है, मतलब जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट मतलब ये जो होता है सप्ताप मंडल। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो हवाई जहाज होती है किस मंडल में उड़ती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये आदर्श होते हैं, कौन मंडल, सप्ताप मंडल। सप्ताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये कि और बनता है कि जो ओजोन लेयर होता है वो कहाँ पे होता है, किस मंडल में, तो सप्ताप मंडल में होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ओजोन मंडल, ओजोन लेयर या परत जो होता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें जो होती हैं उससे मदद करता है रोकने में, ठीक है। तो सप्ताप मंडल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए मध्य मंडल, यानी जो बीच में पाया जाता है, जो 5 मंडल होते हैं उसके सबसे बीच में पाया जाता है मध्य मंडल, ये तीसरा मंडल है, ठीक है। अब ये देखिए इसका ऊंचाई जो है ना 80 किलोमीटर तक फैला है, यानी कि सौर मंडल का 13 किलोमीटर, सप्ताप मंडल का 50 किलोमीटर और मध्य मंडल का 80 किलोमीटर तक ऊपर तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाली उल्का पिंड होता है, उल्का पिंड तो आपको पता है बहुत खतरनाक होता है, उल्का पिंड की परत में आने पर जल जाता है। यानी जैसे उल्का पिंड मान लीजिए टूटता है तो क्या होता है, अगर उल्का पिंड जैसे आता है और जैसे इस मंडल में प्रवेश करता है यानी मध्य मंडल में, वो जल जाता है और राख हो जाता है। अगर वो पृथ्वी पर गिरे अगर उल्का पिंड, तो कितना भयानक रूप धारण कर सकता है, कितना खतरा हो सकता है। लेकिन ये क्या करता है, मध्य मंडल जो होता है वो हमें बचाता है उल्का पिंड से। तो डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाएगा कि उल्का पिंड परत पर आने से कौन रोकता है, कौन से मतलब मंडल में आके जल जाता है, तो मध्य मंडल में, ठीक है। ये 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब लास्ट एक चौथा आ जाइए, वायुमंडल। यह मंडल क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ इसमें तापमान यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह क्या होता है, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब हम लोग सुने हैं ना कि आयन मंडल यानी सौर मंडल, समताप मंडल, मंद मंडल और आयन मंडल हम लोग सुने हैं। तो आयन मंडल जो होता है वो अलग नहीं है, ये बाहर मंडल का ही एक भाग है आयन मंडल, ठीक है। इसकी जो मोटाई होती है मतलब ऊंचाई होती है 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है, कौन, आयन मंडल। और इसमें क्या होता है, रेडियो संचार, यानी कि जो भी रेडियो से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह बात फैलाते हैं ना, वो बाहर मंडल के कारण ही होता है, ठीक है। अब देखिए, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, ठीक है। यानी मदद करता है हमें एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन यानी बातचीत को पहुंचाने में। लास्ट आ गया बाहिरमंडल, तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। और ये क्या होता है, वायु की सबसे पतली परत भी है, और इसमें दो गैसें पाई जाती हैं जो बहुत हल्की होती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। यह अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि बाहिरमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आप लोग नोट करते जाइए, और जिनको भी नोट चाहिए एकदम लाइन बाय लाइन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक नंबर मिलेगा वीडियो के लास्ट में, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग नंबर ले सकते हैं, ठीक है। क्या आज वर्षा होगी, देखिए मौसम के बारे में, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, कितनी बार हमें क्रिकेट प्रेमियों के ऐसा होता है ना कि हम लोग मैच खेलने जाते हैं लेकिन अचानक बारिश आ जाता है, तो ये सब क्यों होते हैं। देखिए ये सब क्या दिया गया है यहाँ पे, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यानी कि क्या होता है, मान लीजिए बारिश हो रहा है अभी, तो बारिश कितना होता है, 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल से आधे घंटे, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जलवायु, यानी उसका फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उस स्थान का जलवायु बोला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन गर्मी का मौसम आता है तो फिक्स है कि कम से कम 3 से 4 महीना गर्मी रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मौसम। लेकिन जलवायु बोलते हैं जो कुछ क्षण भर रहे, यानी बहुत कम समय तक के लिए रहता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए, तापमान, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, हम प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है, ठीक है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं, यानी टेम्परेचर हमको पता है जो गर्मी का मौसम होता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है, ठीक है। सर्दी के मौसम में सर्दी हो जाता है, गर्मी के मौसम में गर्मी होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दिया गया जो हाईलाइट मैंने किया है, शीत यानी ठंडी के मौसम जो आता है
की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है। मतलब क्या होता है, जो ठंडा का मौसम होता है तो हम लोग को ठंडा लगता है और गर्मी के मौसम में गर्मी लगता है, लेकिन गर्मी के मौसम में यानी गर्मी जो लगता है ठंडी की अपेक्षा अधिक लगता है। मतलब गर्मी हम लोगों को ठंडी की अपेक्षा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इंपॉर्टेंट है। एक होता है आत्पन, यानी आपतन को आत्पन लिखा है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण का प्रभाव प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोकता है उसे आत्पन कहलाता है। यानी कि क्या होता है ना कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है तो उसके कुछ भाग को क्या करता है, पृथ्वी से वापस नहीं जाने देता है, उसको बोलते हैं आत्पन, ठीक है। अब देखिए आत्पन जो होता है, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर घटती है। यानी कि हमारा पृथ्वी जो होता है वो मान लीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, और ये भूमध्य मतलब भूमध्य रेखा है। तो फिर सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा पर, और ये क्या है, ध्रुव है, ऊपर साउथ नॉर्थ ध्रुव और ये साउथ नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो क्या करता है, सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ होगा, यहाँ पे, और यहाँ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो भी इसका तापमान घटेगा और नीचे धीरे धीरे जाएंगे तो भी इसका तापमान घटेगा। तो यही बोल रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी भूमध्य रेखा हो गया और इसके ध्रुव मतलब ऊपर और ध्रुव मतलब नीचे, ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, धीरे धीरे घटता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया गया है जो हम लोग को पढ़ना है। देखिए, आप जानकर आश्चर्य होंगे कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ दो करोड़ यानी दो करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी दो अरबवां ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो डाटा दिया गया है इम्पोर्टेंट है, नोट्स में कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे के और इम्पोर्टेंट दिया गया है तापमापी, यानी तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग होता है, तो तापमापी के लिए, तापमापी का, और वायु दाब का मेज़र करने के लिए क्या होता है, वायु दाब मापी, ठीक है। वर्षा के लिए, वर्षा मापने के लिए तो वर्षा मापी, ठीक है। अब पवन की दिशा मापने के लिए तो वात दिग्दर्शी, ठीक है। ये चार जो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग नोट कर लेंगे। अब चलिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप समझ गए होंगे कि ध्रुवों पर बर्फ़ क्यों ढके हुए हैं। यदि बर्फ के तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि वहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों के तापमान बहुत अधिक होता है, यानी जो गाँव में गर्मी होता है उसकी अपेक्षा शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए ऐसा फील्ड से बड़ी सड़कें एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो शहर में क्या होता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें होती हैं, तो जो भी सूर्य का प्रकाश आता है उसको रोक के रखता है, यानी कि उसको ऊपर नहीं जाने जाता है शाम के टाइम, तो वहाँ पे जो भी वायु होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये है। उसके बाद आइए यहाँ पर दिया है, क्या आप जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, तापमान को मापने के लिए मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। यानी तापमान को मापने के लिए जो मानक इकाई होता है वो डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस में ही मापा जाता है। इसका आविष्कार कौन किया था, एंडर्स सेल्सियस, यानी एंडर्स क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये सेल्सियस पड़ा है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर जम जाता है, यानी उसका अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए तो जल क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, और 100 डिग्री जैसे ही जाएगा वो पानी उबलने लगता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या आप जानते हैं कि चांद पर कोई भी वायु नहीं है। जैसे पृथ्वी पर वायु है, वायुमंडल है, हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन चांद पर जाइएगा ना तो बिल्कुल भी वायु नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा आप लोगों को, यहाँ तो मान लीजिए हम लोग के पास वायु है तो क्या करते हैं, हम लोग सांस ले लेते हैं, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा पर जाइएगा तो बिल्कुल भी वायु नहीं है, तो क्या होगा, वायु वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा आप लोग आपके ऊपर, और क्या होगा, हड्डी वड्डी सब टूट जाएगा, जितने भी सिराएँ उराएँ हो सब मतलब टूट जाएंगी, और क्या होगा, सिराएँ फट जाएंगी, और क्या होगा, और रक्त बहने लगेगा आपके शरीर से, तो वहाँ पे जीवन बिताना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। और अंतरिक्ष में यानी चांद पे जो भी वैज्ञानिक जाते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक स्पेशल पोशाक पहन के जाते हैं जिसमें पूरा मतलब सेटअप रहता है ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए वायु दाब तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब वायु जो होता है प्रेशर बना के रखता है, ठीक है। वायु देखिए, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेज़ी से गिरने लगता है, इम्पॉर्टेंट लाइन है। यानी क्यों होता है ऐसा कि मान लीजिए नीचे सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर बनाए के रखता है वायुमंडल, लेकिन हम लोग पृथ्वी से अगर ऊपर जितना जाएंगे क्या होता है, दाब यानी प्रेशर बहुत कम होने लगता है। समुद्र स्तर पर सबसे ज़्यादा वायु का दाब रहता है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वही लाइन है कि जैसे जैसे वायु गर्म होता है वो ऊपर उठने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए,
वायु सदैव उच्च दाब से निम्न क्षेत्र दाब की ओर गमन करते हैं, यानी वायु क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है कि जिधर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है उधर जाता है, उसके बाद वो कम जहाँ पे प्रेशर होता है उधर जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। अब आ गया पवन। पवन मतलब हम लोग समझते हैं हवा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं, ठीक है। एक यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। जो भी इसका इंपॉर्टेंट लाइन है हम लोग नोट्स में कवर कर लेंगे। जिसको भी नोट्स चाहिए आप लोग नंबर पे जुड़ के और अब ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को कुछ नहीं जानना है, बस तीन चीज़ याद रखना है। पवन कितने प्रकार के होते हैं, तो पवन मतलब हवा तीन प्रकार के होते हैं, अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। और ये जो डायग्राम दिया है ना, ऐसे समझाने के लिए दिया है, लेकिन इसका हम लोग उपयोग क्लास 8 और क्लास 9 में डिटेल से पढ़ना है हम लोगों को, तो अभी इस पर हम लोग फोकस नहीं करना है। अब ये चक्रवात, अब ये क्या है ना, एक बार घटना हुआ था उसके बारे में दिया गया है। तो ये चक्रवात आया था तो उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ था, क्या क्या नुकसान हुआ था, ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी बस आ गया आर्द्रता। आर्द्रता मतलब पता है ना, जहाँ पे नरम ठंडा मौसम रहता है, तो इसके बारे में दिया गया है कि आर्द्रता मतलब रहता है तो उससे हम लोग को क्या फ़ायदा होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हमने पढ़ लिया है इसको, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और देखिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा, आप लोगों को पेड नोट्स मिलेगा बहुत ही कम कीमत पे। अब मैं नोट्स दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को कैसा नोट्स मिलेगा। जितने भी साइंस का लेक्चर हुआ है, देखिए हम लोग नोट्स कैसे कवर किए हैं, दिखा देते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स पसंद आए तो बिल्कुल जोर के ले लीजिए। देखिए सबसे पहले ये साइंस का नोट्स है आप लोगों का। देखिए SCERT साइंस क्लास 7 जल और जंगल चैप्टर का नाम है। और ये क्या है, पूरा एक एक लाइन हम लोग डिटेल्स में कवर किए हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में। देखिए ये क्वेश्चन आया था अभी TRE 3 में, चीर का जंगल, ठीक है, चीर का वृक्ष जो था, ये चैप्टर 1 हो गया, दिखा दे रहे हैं आपको हम। फिर आ गया यहाँ पे SCERT साइंस क्लास 7 लेसन 2 जंतु में पोषण, इसका भी एकदम डिटेल्स में हम लोग हैंड रिटन नोट्स पूरा कवर किए हैं, ठीक है। ऐसे लाइन बाय लाइन और ये चैप्टर वाइज हम लोग इसमें नोट्स को कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जिनको भी अगर नोट्स चाहिए तो मैं नंबर दे दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जुड़ के और ले सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप लोग बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं नंबर दे दे रहा हूँ, उस पर आप लोग जुड़ के और ले सकते हैं नोट्स को। तो नंबर है 9199571242। और मैं वादी के साथ कर सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 6 to 10 क्लास पूरा SCERT और SCERT डिटेल्स में कवर कराया जाएगा और नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके और नोट्स लिख दीजिएगा, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।